हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं दोस्तों सुमित और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गैम्बिट व्लॉग में। तो अभी मैं मार्केट से आया हूं, जो मेरे को थोड़ा बहुत काम था वो मैं करके आ गया हूं। आज मैं करूंगा थोड़ी सी पेंटिंग, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने पेंटिंग नहीं करी और मेरी प्रैक्टिस भी नहीं हुई है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपना सामान में क्या क्या यूज करता हूँ और क्या क्या उसमें और मेरा सेटअप क्या है, मैं कहाँ पे रख के बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ। ये आप पीछे देख सकते हो, ये सब मैंने ही बनाए हैं। ये इधर दीवार पे भी और इस साइड से दिख रहा है आपको, और फोन मेरा डाउन हो चुका है तो इसको मैं पहले चार्ज कर लूंगा और नहा लेता हूँ जब तक मैं। तो अभी मैं पहले नहा लेता हूँ, नहाने के बाद मिलते हैं ब्लॉग में। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deep. तो गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ अब, और मैंने फ़ोन पे अपना चार्ज कर लिया पूरा। अब मैं यहाँ पे रिंग लाइट जलाता हूँ और उसके बाद अपना जो ये सामान है सारा, ये मैं सामान भी लेके आ गया हूँ अंदर से, उसके बाद आपको दिखाता हूँ सारा। तो मैंने अभी रिंग लाइट भी अपनी सेट कर ली है और मेरा ये सामान है, दिखाता हूँ आपको। ये जो है मेरे पे इलेक्ट्रिक रेजर है, एक पीस है मेरे पे, ये फेबर क्रिस्टल का ये रेजर है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है निकल नहीं रहा है। डोम्स की 6 ग्रेड है मेरे पास जो पूरा सेट होता है ये, और ये ब्रश का सेट है जो मैंने लोकली बाज़ार से लिया था। उसके अंदर बाजे नीप है, इससे पेंसिल छीलता हूँ मैं, और ये पेंसिल एक्सटेंडर है एक। उसके बाद ये अप्सरा की रेजर है एक, दो जेल पेन है 0.8 and 0.5 के, जेली रोल 8 सकूरा के हैं दोनों, और ये सकूरा की मैकेनिकल पेंसिल है मेरे पास 0.3 की, और उसके बाद मोनो 0 इरेजर है, उसके बाद वाइट पेंसिल है और चारकोल पेंसिल है, और ये वुडलेस पेंसिल है मेरे पास। ये स्टैम्प पेपर है, ये इरेजर है अप्सरा की। तो अब बात कर लें गिव अवे क्या है। गिव अवे यह है कि भाई मैं इस चैनल पे आने वाले समय में गिव अवे लेके आता रहूँगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेंगे। जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो होगा उस हिसाब से मैं गिव अवे लेके आता रहूँगा आपके लिए, और वह गिव अवे खास उन लोगों के लिए होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, जिनसे मैं कुछ भी सवाल पूछूंगा और वो मेरा उसका जवाब देंगे, तो उनके लिए वो गिव अवे होगा जो भी होगा जितना भी सारा। बाकी मैंने पीछे जो मेरा आर्ट वर्क है, कभी आपको किसी स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जो मेरे जितने भी आर्ट वर्क है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैं ये जो मेरे दीवार पे लगे हुए हैं, वॉल पे लगे हुए हैं, ये सारे हैं। उसके बाद ये बनाया हुआ था, और ये कुछ क्राफ्ट्स हैं, ये मैनिकिंग है मेरा, और एक ये है, और एक इसके बैक साइड में है, ये आपको शो हो रहा होगा थोड़ा बहुत। मैं बनाता हूँ जो मैं सामान अपना है इस पे रख के, जो मेरा ये पैड है बनाने वाला, तो अभी मैं बनाता हूँ थोड़ा सा, जो आपको भी दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे ड्रॉ करूँगा, आप भी देखना। अच्छा बना रहा हूँ, बेकार बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इतना प्रो नहीं हूँ, सीख रहा हूँ अभी, प्रैक्टिस करूँगा, अभी करूँगा प्रैक्टिस। मैंने इस पर लाइनिंग कर ली है, और उसके बाद मैं जो इसका स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर रहा था। ये भैया भाभी की एनिवर्सरी के लिए है, जो मैंने उस टाइम तो मेरे पे कंप्लीट नहीं हुआ था, बिकॉज काम था पेंडिंग थोड़ा बहुत, जो अब करूँगा मैं इसे। तो मैं और चिंटू अभी खा रहे हैं आलू, जो कि चिंटू को बहुत अच्छे लगते हैं। कहे इसको बता दें कितने आलू हैं ये? 5 मोटा हो जाता आदमी आलू खाने से, ये तोंदू भरा जाता तोंदू। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, no. तो गाइस अभी मैंने इसका आउटलाइन कर लिया है कंप्लीट, मैं आपको बाद में इसका रियलिस्टिक बनाना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसी बनी है, बिकॉज अभी लाइट दिक्कत कर रही है मेरी। तो गाइस मैं जब कंप्लीट कर लूँगा तो आपको दिखाऊंगा। और गिव अवे का सीन ये है, जैसे कि आपको मैंने बताया है, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा, तो मैं इस चैनल पे गिव अवे लेके आता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा उन्हें देख के। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मैं आपको दिखाऊँगा कैसे कैसे। तो लोग को करते हैं एंड। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।